पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आज कब तक पढ़ना है? हो रहा है 11:15। कब तक? बस 11:18 तक। एक क्वेश्चन बस लिखना है। देखते हैं हम तेज कब तक पीछ पर टीके रहता है। ए हमारे रूम का है सुतली बम। सूतेगा फिर पढ़ेगा। हम तो हमेशा कंफ्यूज में रहता है, सूता है कब पढ़ता है कब। बोलोगर जादूगर पढ़ते सो जाता है। भाई ऐसा हिडन टैलेंट कहाँ से ले गया है, थोड़ा बताएगा? बता दे कहाँ से बताए। क्या वो पैसा सूता है, वो तो अपने आप आ जाता है भाई। अब वो है पवन कुमार ऐश्वर्या। पवन कुछ तो बोल। बोल भाई। इधर इधर फेस करके बोल। यस बेबी ब्लैक पेन दे जल्दी। कुछ भी बोल सकता है। आज तू कब तक पिच पट्टी के रहेगा? वो वाले जब मेन पिच पे तो हम लोग लगातार देखते कब तक पवन कितना स्टेमिना है। कोई दिक्कत नहीं, बोल सकता है, खुला प्लेटफॉर्म है। तुमको वहाँ से उठा के नहीं, अरे वो स्टेमिना की बात नहीं हो रहा, वो स्टेमिना की बात हो रहा है, शीला जीत वाला स्टेमिना। अच्छे रूप से देखोगे तभी सही है। वो ये और बता कितना पुशअप मार लेते हैं? तो ये है मिदेश, ये सबसे यूनिक आदमी है चितकारा यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये बस 30 मिनट पढ़ के 40 में कम से कम 38-36 तक ला सकता है बंदा। ए अमितेश ये आइडिया सबको बता दे यार, ये हिडन टैलेंट है यार, हमें भी सिखा दे ये टैलेंट। ये सब हिडन टैलेंट हाँ, ये अपन बचपन से जब तू चड्डी गिली करता था तब से ये साला हिडन टैलेंट है। और कुछ बता। और हिमांशी कैसी है? बात आया तो वीडियो पोस्ट कर रहा है, यही हो गया है। वो तो अभी उसका प्रेगनेंसी चल रहा है। तो पूरा खोल दिया। तो हिमांशी है उसका अभी तबीयत खराब चल रहा है नितेश, और उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। क्यों? ये पब्लिक प्लेस है यार। घर कब जा रहा है नितेश? ऐसे तो पता नहीं। ऐसे पता नहीं, ये क्या बात बोल रहा है तू? जब घर वाले बुला ले। अभी अभी चलो, यही दिक्कत है ना, बुलाते नहीं यार। यही तो दिक्कत है, गरीब की मजबूरी नहीं समझते। कहता है बेटे घर मत जाया करो, साला 1.5 साल में एक बार घर गया है। एक बार? हाँ। तेरा दूसरा दौरा है? अरे साला तू तो मोदी के फेल कर दिया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।